ये वीडियो मैं उन एक्टर्स के लिए बना रहा हूँ जिन्हें ये समझ नहीं आता है कि अप्रोच कैसे करना है। जैसे मान लीजिए मैं फेसबुक पर, मैं या मेरी टीम पोस्ट डालती है तो वो वहीं फेसबुक पर लिखते हैं आई एम इंटरेस्टेड। अरे ऊपर ईमेल आईडी है ना, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो अपना वर्क प्रोफाइल लिंक भेजो। कुछ लोग कॉन्टैक्ट नंबर नहीं भेजते, फिर उनको मेल करो कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है इसके अंदर, फिर उसके बाद दूसरा मेल आएगा उनका। कुछ लोग अपना मेल का रिप्लाई भी चेक नहीं करते हैं। आपको बेसिकली पर्सनालिटी ग्रूमिंग की बहुत ज़रूरत है। पहले आप समझिए काम पकड़ने से या काम के लिए अप्रोच करने से पहले ये अच्छे से समझिए कि आप किसे अप्रोच कर रहे हैं, आपकी भाषा क्या है, हेलो हाय नमस्ते कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। कुछ लोग पुराने अपने जो अटैचमेंट, पुरानी जो उन्होंने कुछ ईमेल्स भेजी होती हैं उन्हीं की फॉरवर्ड भेज देते हैं, यानी आपको 11 ईमेल के एड्रेस को क्रॉस करते हुए नीचे जाके देखना पड़ता है। ऐसी ईमेल्स को हम लोग पढ़ते ही नहीं, हम तुरंत डिलीट कर देते हैं। एटीट्यूड चेंज कीजिए काम के प्रति, काम के प्रति प्रोफेशनल और सटीक एटीट्यूड रखिए। अगर आप मान लीजिए मेल ही गलत भेज रहे हैं, आपने फोटोग्राफ भेजी दीवार के किनारे खड़े हुए हैं, कोई छत की छत पे खड़ा हुआ फोटोग्राफ भेज रहा है, पीछे उसकी चड्डियाँ सूख रही हैं, ये कौन सा तरीका है? प्रोफेशनल फील्ड है ये, सिनेमा एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। सही लाइटिंग, सही मेकअप, सही तरीके से अगर मान लीजिए उसकी जानकारी नहीं है, YouTube में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं इतने सारे मोटिवेशनल वीडियोस और काउंसलिंग के वीडियोस बनाता रहता हूँ, इसीलिए बनाता हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि अप्रोच कैसे करना है। और काम नहीं मिलने का मेन रीज़न आपकी रॉन्ग अप्रोच है। तो आपको सबसे पहले तो ईमेल लिखना आना चाहिए, आपकी भाषा करेक्ट होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर उसमें डिस्प्ले होना चाहिए, आपकी फ़ोटोग्राफ कैंडिड से ज़्यादा प्रोफेशनल होनी चाहिए। जब आपसे रिक्वायरमेंट मांगा जाएगा कि अब आप कैंडिड फोटोग्राफ भेजिए, तब आप कैंडिड भेजिए। डिफरेंट कुछ लोग जो है प्रोफाइल भेजते हैं, फेस ही नहीं दिख रहा है, कुछ लोग सिर्फ एक दो फोटोग्राफ भेजते हैं, दो फोटोग्राफ भेजते हैं वो भी कहीं छत के किनारे खड़े हुए, ऐसे कैसे काम मिलने वाला आपको? आपकी मेल तुरंत डिलीट कर दी जाती है, आपका चैप्टर वहीं खत्म हो जाता है, आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि फेसबुक पर रिप्लाई नहीं करना है, इनबॉक्स नहीं करना है, इंस्टाग्राम में नहीं करना है, मैसेंजर में नहीं करना है, आपको ईमेल एड्रेस जो दिया है वही प्रोफेशनल तरीका, आपको वहीं ईमेल में अपना प्रोफाइल वर्क लिंक भेजना है। दूसरा, जो लोग इस समय शहर में नहीं है, फॉर एग्जांपल कास्टिंग मुंबई में चल रही है और आप शहर में नहीं है, तो लिखिए करंटली नॉट इन मुंबई, करंटली आई एम इन दिल्ली और आई एम इन राजस्थान, सो दैट आपको अगर फिजिकल ऑडिशन के लिए बुलाया जा रहा है तो आप अवेलेबल नहीं, तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। और हमेशा कर्म भूमि पर रहिए, हमेशा अपॉर्चुनिटी जो है वो एक झटके से आएगी और आपके हाथ से निकल जाएगी। कई बार क्या होता है लास्ट मोमेंट पे कास्टिंग चेंज हो जाती है, दूसरों को बुलाना पड़ता है और उस एक्टर की निकल पड़ती है, जो दूसरा एक्टर आया होता है उसको वो कैरेक्टर बढ़िया वर्क कर जाता है और स्टार बन जाता है। तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी अपनी पर्सनालिटी पर, अपनी लैंग्वेज पर, अपने कम्युनिकेशन स्किल पर, अपने अटायर पर, अपने पहनावे पर काम नहीं कर रहा है। रील्स बनाते जा रहे हो तुम लोग, स्टोरीज डालते जा रहे हो, मगर अपनी भाषा पर, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मातृभाषा, हिंदुस्तान की कितनी सारी भाषाएं, बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो। उठने बैठने के तरीके पर काम नहीं कर रहे, किसी की बॉडी ठीक नहीं है, हमारे यहाँ जिम जाने का कल्चर ही नहीं है, हम लोग तो फिटनेस को बिल्कुल, वॉकिंग को हम फिटनेस बोलते हैं कि हम तो 5-6 किलोमीटर वॉक करके आ गए, हमारी फिटनेस हो गई। सिनेमा जो है वो पर्दा जो है वो एक कैमरे के थ्रू आता है और कैमरा जो है आपको नंगा कर देता है। आप अगर भोंडे हैं तो आप भोंडे दिखेंगे, अगर आपका पेट निकला तो आपका पेट दिखेगा, तो फिर वो कैरेक्टर जो है उस कैरेक्टर में वो मज़ा ख़त्म हो जाता है। सिनेमा का मतलब है श्रृंगार, ग्लैमर, एंटरटेनमेंट, कैरेक्टर, बॉडी लैंग्वेज। तो इसके लिए आपको फिटनेस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है आप नहीं करने वाले, घंटा नहीं करने वाले, क्योंकि हिंदुस्तानी माइंड जो है वो अड़ियल माइंड है, बहुत ज़्यादा अड़ियल और बहुत ज़्यादा फिक्सेशन और ईगो से भरा हुआ है। तो आपको काम नहीं मिलने का रीज़न यही है कि आपकी सिनेमेटिक पर्सनालिटी नहीं है, आपकी भाषा में कंट्रोल नहीं है, आपकी ब्रीदिंग में कंट्रोल नहीं है। आपको कोई भी अगर लहजा पकड़ने के लिए दिया जाए आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आप रीड ही नहीं कर रहे हैं घर पे, आप लिख ही नहीं रहे हैं। आपके पास प्रेमचंद जैसे महान उपन्यासकार हैं, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऐसे बड़े बड़े कवि हैं, उनकी कविताओं को पढ़ो, भाषा सुधरेगी। मैंने कितने सारे वॉइस मॉड्यूलेशन के वीडियोस बनाए हुए हैं कि कैसे डॉग बार्किंग की जाती है, कैसे अपनी भाषा में स्पष्टता लाई जाती है, कैसे टंग ट्विस्टर बोले जाते हैं, इनकी एक्सरसाइज बताई है, मगर मजाल है, क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो टोटली जंक देखने में है मगर अपने ऊपर काम करने में नहीं है। तो आप भी जंक का हिस्सा बन रहे हैं और जंक जो होता है ना वो डस्टबिन में जाके ख़त्म हो जाता है, चाहे रियल लाइफ में हो चाहे ईमेल में हो। तो अपनी सिनेमैटिक पर्सनालिटी बनाइए, लगे कि हाँ इस बंदे में या इस बंदी में दम है, और जो नहीं आता उस पर काम कीजिए। कुछ लोगों को मेकअप करना नहीं आता, कुछ लोग बहुत लाउड मेकअप कर लेते, कुछ लोग ऐसा होता है ब्राइडल मेकअप करके अब भी निकल के आ रहे हैं। तो मेकअप कीजिए और अपना घर
अपना जोन बनाइए जहाँ पे जिसके अगेंस्ट खड़े होकर आपकी फोटोग्राफ अच्छी आएंगी, थोड़ा टचअप कीजिए। बहुत सारे आजकल ऐप आते हैं जिसमें आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत कीजिए, अप्रोच करने का तरीका सही कीजिए, फोटोग्राफ सही लीजिए, सही भाषा का इस्तेमाल कीजिए और अलर्ट रहिए। आपका मोबाइल आपका ऑफिस है, आपको तुरंत किसी का रिप्लाई आता है और आप 4 दिन बाद उसका रिप्लाई देखते हैं तो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी जा चुकी होती है। जिसे भी अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट करते नहीं आता है वो तो अप्रोच ही ना करे। जिसकी भी कम्युनिकेशन स्किल वीक है कि फ़ोन नहीं उठा रहा, व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो वो तो बिल्कुल अप्रोच ना करे, तुरंत घर पे जाए, खेती किसानी करे, काम करे, चूल्हा चौका देखे। उसका इस क्षेत्र में फिल्म जगत में कोई काम नहीं, क्योंकि फिल्म जगत क्रिएटिव वर्ल्ड मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग मतलब ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। अगर आप ये कैपेबल नहीं हैं तो आप यहाँ आने की कोशिश भी मत कीजिए। अपने सिनेमेटिक पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। उन लोगों के साथ उठिए बैठिए जो आपसे बेहतर है, जिनकी भाषा बेहतर है। ग्रुप बनाइए और बुक की रीडिंग कीजिए। 5 पेज ये पढ़े, 5 पेज वो पढ़े, 5 पेज वो पढ़े, कभी हिंदी की, कभी उर्दू की, कभी किसी इंग्लिश लिटरेचर को लेकर आ जाइए। आपका जितना ज्ञान बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी और उसके बाद आप पर्दा फाड़ कर आएंगे। अभी आप खुद फटे हुए हैं। जय हिंद।